हेलो फ्रेंड्स, आज बुधवार और ग्लोबल मार्केट सारे सपोर्टिव है तो लगता है गैप अप ओपनिंग में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखते हैं अभी ओपन होने के बाद। तो ये मेरा वाराणसी का ये सेमिनार की डिटेल आप देख सकते हो यहाँ पे, 20 फरवरी टू 5 मार्च। ओके, तो अभी मैं एक पुट मैंने ले लिया है क्योंकि मेरी लाइव स्ट्रीमिंग चालू थी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। और अभी मैं फ्यूचर को यहाँ पे सेल करने जा रहा हूँ निफ्टी का, और निफ्टी अभी जस्ट 12,230 के आसपास ये ट्रेड कर रही है अभी, देख सकते हो। तो 33 रुपये 70 पैसे में मैंने 300 क्वांटिटी पुट की बाई की हुई है ऑलरेडी। और यहाँ पे मैं निफ्टी का एक फ्यूचर का एक लॉट में सेल करने जा रहा हूँ। यहाँ पे प्राइस मैंने सेट कर ली अभी 12,234 के अराउंड, 12,232 पे ये निफ्टी का एक लॉट ये सेल हो चुका है। तो आप ये देख सकते हो अभी पुट में थोड़ा यहाँ पे लॉस चल रहा है, मैं यहाँ पे वेट करूँगा क्योंकि बहुत इतना भी नीचे नहीं जाएगा। चार्ट में देख के लगता है कि निफ्टी स्ट्रांग है तो 12,200 का जो लेवल है 12,200 वहाँ टच कर सकता है एक बार। तो यहाँ पर देख सकते हो थोड़ी देर यहाँ पर मैंने वेट किया और अभी ये थोड़ा मेरा 700 के करीब का प्रॉफिट यहाँ पर चल रहा है मेरा। ओके, तो देख सकते हो अभी मैं ऑर्डर को यहाँ मॉडिफाई कर लूँगा, जो बाई का जो ऑर्डर है निफ्टी फ्यूचर में, तो मैंने 19 कर दिया है, 12,219। तो चैनल पे दोस्तों नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको और भी यहाँ पे जानकारियाँ मिलती रहेंगी। अभी 12,213 पे आ चुका है, देख सकते हो यहाँ पे ऊपर के लेवल से ऑलमोस्ट 20 पॉइंट निफ्टी स्पॉट में गिर चुका है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी कम स्ट्रांग है कंपेयर टू निफ्टी, आप ये देख सकते हो कंपेयर टू परसेंटेज वाइज, तो दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है ऑलमोस्ट 0.20%। तो 12,213 के आसपास ये ट्रेड कर रही है अभी, देख सकते हो, और अभी 12,219 के आसपास ही है। तो लगता है मॉडिफाई कर लूँगा, अदरवाइज़ ये 10 पे ये बाय हो जाएगा, थोड़ी देर और मैं वेट कर लेता हूँ। ओके, तो अभी जैसे कि निफ्टी 12,211 के आसपास है, 1-2 पॉइंट अभी नीचे आया तो ये अभी ओनली 10 पैसा लेफ्ट है मेरा, 10 पैसा बाकी है, वो टच हो जाएगा तो 19 पे ये बाय हो सकता है। तो चलो 20 पे ही कर लेता हूँ क्योंकि बहुत ही वेट करा रहा है। और आप यह देख सकते हैं यहाँ पे 12,212 पे ये ट्रेड कर रहा है अभी, और 800 रुपये का अभी प्रॉफिट चल रहा है। तो दोस्तों 900 रुपये मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया है निफ्टी फ्यूचर को सेल करके एक लॉट में। तो आज दोस्तों मैं छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट जो है अनडिसाइसिव है, क्योंकि एक गैप अप ओपनिंग जब मिलती है तब मार्केट में, एक तो हमारा जो व्यू होता है, बहुत सारे जो रिटेल ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, तो जो इंट्राडे प्लेयर है, तो वो सारे इसमें ये जोन जो है उसमें ट्रैप हो जाते हैं क्योंकि यहाँ से फिर 12,250 नहीं जा पाता और 12,200 का जो लेवल है निफ्टी वो तोड़ता नहीं, तो ये जो बीच का जो जोन है उसी में लॉस 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 और लॉस करते हैं, क्योंकि ऊपर जाएगा नीचे लेते हैं तो ऊपर जाता है, ऊपर लगाते हैं ऊपर बाय करते हैं तो नीचे चला जाता है, यही तो प्रॉब्लम है। वो उस पर कंट्रोल करना आना चाहिए, चाहे मैं हूँ या फिर आप हो, तो दोनों की सेम प्रॉब्लम है। तो जब जब ये गैप अप ओपनिंग मिले तो निफ्टी में हमेशा कॉशियस व्यू एक रखिए। ओके, तो अभी आप देख सकते हो ये जो पुट है, तो दोस्तों बैंक निफ्टी का एक मैं पुट बाय करने की सोच रहा हूँ, 200 क्वांटिटी 31,300 का पुट, और इसकी जो प्राइस चल रही है 39। तो आज का मार्केट भी ऐसा ही है, एक कंफ्यूजन भरा है, एक बहुत ही बोर वन टाइप ऑफ। तो देखते हो अभी कितना प्रॉफिट यहाँ पे मैं बुक कर पाता हूँ, देख सकते हो अभी 40 रुपये में मैंने सेट किया हुआ है और ये बाय हो चुका है पुट, यानी मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी 31,500 का जो लेवल है वो तोड़ना चाहिए और 31,450 तक मेरा नीचे की ओर टारगेट है। तो 200 क्वांटिटी दोस्तों मैंने बाय की है और अब इसके आसपास मेरा जो फ्यूचर था मैंने वो बाय कर लिया है, जो कि मैंने 32 में सेल किया था, ठीक है, वो ऑर्डर मेरा कंप्लीट है। ये मैंने अभी पेज को मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये ऑर्डर है वो लगता नहीं इसीलिए। तो अभी दोस्तों 2 लॉट को मैं सेल करने की सोच रहा हूँ निफ्टी के वापस से, और अभी जो चल रहा है प्राइस है 12,222।
12,222 के आसपास। तो दोस्तों सेल हो चुका है दो ऑर्डर ब्रैकेट ऑर्डर में, दो लॉट को, दो लॉट सेल हो चुके हैं 12,223 में। और ये थोड़ी स्पीड है बढ़ाई हुई है ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, आप देख सकते हो अभी। तो फ्यूचर में दोस्तों अभी टोटल मिला के पहले का और अभी का 1500 के आसपास ये प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे। और 12,200 का जो पुट है उसमें भी थोड़ा बाइंग के आसपास ये चल रहा है पुट अभी। तो ये चार्ट में देख सकते हो अमी ब्रोकर में अचानक से गिरावट आई है और लगता है 12,200 का जो लेवल है वो तोड़ सकता है, लेकिन वहाँ से बाउंस बैक मिलता है, वहाँ पे स्ट्रांग सपोर्ट है 12,200 के लेवल से। तो देखना पड़ेगा अभी वहाँ के टच करके नीचे जाएगा कितना जाएगा। ओके तो स्पीड बढ़ाई हुई है देख सकते हो अभी, जितना ये नीचे गिर रहा है मेरा प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, मैं वन बाय वन एग्जिट कर लूँगा इसे। फ्यूचर को दोस्तों मैं अभी निकल रहा हूँ 12,208। ठीक है 12,208 मैंने किया है, अभी 2500 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है मेरा, अभी 11 पे आ चुका है देख सकते हो लाइव ट्रेडिंग में। अभी 2 रुपये सिर्फ बाकी है, 10 पे आ चुका है, अगर 8 आ जाएगा तो ये बाय हो जाएगा। ठीक है ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूटेड हो जाएगा यानी स्क्वायर ऑफ, क्योंकि 200 का लेवल निफ्टी स्पॉट तोड़ चुका है और 12,190 पे है। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी ओके, तो ये 208 पे स्क्वायर ऑफ हो चुका है ऑर्डर देख सकते हो, और 3,150 रुपये का प्रॉफिट मैंने यहाँ बुक कर लिया है निफ्टी फ्यूचर में, और टोटल 6,000 का प्रॉफिट दोस्तों चल रहा है। तो बैंक निफ्टी और जो निफ्टी का जो पुट है मैं एक्सिट हो जाऊँगा मार्केट पे ही। और ये बैंक निफ्टी का पुट अभी चल रहा है 48 देख सकते हो यहाँ पे, मैं अभी निकल रहा हूँ यहाँ पे, मैंने 40 में बाई किया था, 5,624 रुपये का प्रॉफिट मैंने यहाँ बुक कर लिया है, और 190 के आसपास ये ट्रेड कर रही है बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी का स्पॉट लेवल, और बैंक निफ्टी जैसे कि 31,475 पे ट्रेड कर रही है। तो 5,624 रुपये का दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट बुक मैंने कर लिया सेल साइड। तो गैप अप ओपनिंग मिले उस दिन बहुत ही दोस्तों टफ होता है प्रॉफिट बुक करना, इसलिए मैं बहुत ही कॉशियस व्यू रखता हूँ यहाँ पे, क्वांटिटी छोटी रखता हूँ। तो ये दोस्तों ये जो मैंने स्क्वायर अप किया मार्केट पे थोड़ा नीचे का प्राइस पे ही हुआ है, 4637 पे ये सेल हुआ बैंक निफ्टी का ये पुट, और 37.70 12,200 का ये पुट है निफ्टी का, वहाँ पे सेल हुआ है 300 क्वांटिटी। अभी एक और मैं ट्रेड यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करूँगा, अगर मिलेगा तो आपको थोड़ी देर में मैं अपडेट करता हूँ। दोस्तों अभी एक 12,200 का सेम पुट मैंने बाय किया है 525 क्वांटिटी, आप ये देख सकते हो 12:15 को 12:15 बजे, क्योंकि यूरोप के मार्केट जस्ट अभी ओपन हो गया 1:30 बजे, तो मुझे लगता था कि वापस से यहाँ पे जो मैंने पुट है बाय किया है थोड़ा और नीचे जा सकता है अभी। तो देख सकते हो 525 क्वांटिटी 12,200 का ये पुट निफ्टी का मैंने ये बाय किया हुआ है MIS में। तो यहाँ पे थोड़ा मैं वेट करूँगा अभी, क्योंकि निफ्टी ने 12,200 का जो इम्पोर्टेंट जो लेवल है वो तोड़ दिया है, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ से अभी ये 12,175 जा सकता है। ठीक है अभी ये 12,200 का पुट अभी थोड़ा नीचे आ चुका है, 32 रुपये चल रहा है अभी, 300 क्वांटिटी दोस्तों और मैं ऐड करूँगा पुट की, क्योंकि वापस से 12,200 को टच करने गया है निफ्टी ऊपर, 10 पॉइंट बढ़ चुका है। तो ये 300 क्वांटिटी मैंने ये ले लिए 32 रुपये में, और 525 क्वांटिटी मेरी ओपन है पुट साइड। तो टाइम देख सकते हो 13:38। तो ये 825 क्वांटिटी में मार्केट पे यहाँ पे अभी देख सकते हो, तो अगर ये प्राइस अगर पुट का बढ़ा तो मैं मार्केट पे एग्जिट कर जाऊँगा इसे। अभी देख सकते हो अचानक से निफ्टी थोड़ा गिरने लगा है 7 पॉइंट, 7,000 के करीब का प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है मेरा, अभी 825 क्वांटिटी ओपन है मेरी। तो दोस्तों 37 का प्राइस आ चुका है देख सकते हो यहाँ पे, तो मैंने 38 रखा था इसे मैं
अभी मॉडिफाई करके मैं यहाँ से निकल जाऊँगा मार्केट पे ही। ओके, तो बहुत ही दोस्तों कॉल पुट में क्या है कि स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ती है, और ये मेरा टोटल प्रॉफिट देख सकते हो 7,806 रुपये का। ठीक, तो आपको स्क्रीन के सामने बैठना ही पड़ेगा और कंटिन्यूस वॉच कर रखनी पड़ेगी निफ्टी स्पॉट के प्राइस पे, ठीक है, तो ही आप इसमें कॉल पुट में ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही फास्ट होते हैं और प्राइस ऊपर के लेवल पे देखे तुरंत ही नीचे चले जाते हैं, इसीलिए इसमें स्पीड चाहिए अगर ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी हो तो। दोस्तों तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर सकते हो, लाइक ज़रूर से कीजिए। और एंजल में दोस्तों ओपन अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ जाके क्लिक कर सकते हो। ये मैंने पेज को रिफ्रेश करके आपको दिखा दिया, ये डिटेल है एंजल ब्रोकिंग की। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।